भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महाराष्ट्र में गरमाई राजनीति। बीजेपी नेता ने उड़ाया उद्धव ठाकरे का मजाक। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को दिया आदेश। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल होने के बाद से भाजपा नेता उद्धव ठाकरे पर शरद पवार और सोनिया गांधी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाते हुए मजाक उड़ाते रहे हैं। अब एक बार फिर भाजपा नेता नीलेश राणी ने उद्धव ठाकरे के कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर खिल्ली उड़ाई। नीलेश राणी ने कार्टून को रीट्वीट कर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। इस कार्टून को महाराष्ट्र बीजेपी ने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था। इस कार्टून में उद्धव ठाकरे के सामने राकंपा अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी नजर आ रही है। वही एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा नजर आ रही है। इस कार्टून में युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे को भी दिखाया गया है। वो अपने पिता उद्धव ठाकरे से कह रहे हैं कि पापा अगर यहाँ सलामी देकर हो गया हो तो सलामी देने के लिए वहाँ चलते हैं। इस तरह नीलेश राणी ने एक बार फिर कार्टून ट्वीट कर उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाया है। अब देखना होगा कि ठाकरे गुट नीलेश राणी को किस तरह का जवाब देता है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को नांदेड़ में दाखिल होगी। इस यात्रा में 9 तारीख को शरद पवार भी शामिल होंगे। वही उद्धव ठाकरे को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण दिया गया है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।